ओम प्रकाश राजभर ने बयान दिया है, अखिलेश यादव घर के बाहर सूद रहे हैं और घर में छतरी हैं, आपकी क्या? अरे कितनी अच्छी बात कही, बड़े जानकार लोग हैं, लगता है बीजेपी वाले अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं दिन और रात में इनको। अखिलेश सिंह यादव आधा छतरी है आधा सूद है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। रामचरितमानस की चौपाई को लेकर के छिड़े विवाद के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का बयान आया कि वो तो खुद ही शूद्र हैं और उन्हें मंदिर में एंटर नहीं करने दिया गया। इसको लेकर के काफी बयानबाजी हुई। सुभाषपा वाले ओपी राजभर बोलते हैं, बहुत बेबाक बोलते हैं, और बोलते बोलते अखिलेश पे जब पूछा गया तो बोल गए कि अखिलेश यादव पहले तय कर लें कि वो छत्री हैं कि शूद्र हैं। वो तो लिखते हैं अखिलेश सिंह यादव या उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव लिखते थे। बात यहाँ तक आ गई कि बाहर वो शूद्र हैं और घर में जो है वो छत्री हैं, राजपूत हैं। इस पे जो है अब अखिलेश यादव का जवाब आया है और उन्होंने क्या जवाब दिया है उन्हीं की जुबानी सुनिए। ओम प्रकाश राजभर ने बयान दिया है, अखिलेश यादव घर के बाहर शूद्र हैं और घर में छतरी हैं, आपकी क्या? अरे कितनी अच्छी बात कही, बड़े जानकार लोग हैं, लगता है बीजेपी वाले अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं दिन और रात में इनको। सुना आपने, वो बता रहे हैं कि बीजेपी वाले ओपी राजभर को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं, यानी कटाक्ष कर रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पे ओपी राजभर बोल रहे हैं। और इससे पहले ओपी राजभर ने क्या कहा था उस पर भी जरा गौर फरमाइए। राम मनोहर लोहिया जी ने कहा है कि समाजवाद लाना है तो अपने नाम के आगे पीछे जाति हटा दो, यही ना समाजवाद है। और अखिलेश जी क्या हैं? अखिलेश सिंह यादव आधा छत्री है आधा शूद्र है, उनकी भाषा में यही ना, आधा छत्री है आधा शूद्र हैं। तो पहले तो वो तय करें कि शूद्र वाले गोल में है कि छत्री वाले गोल में है, इतना तो दोनों हैं। सुन लिया आपने, तो अखिलेश यादव जो बोल रहे हैं, स्वामी प्रसाद यादव का जिस तरीके से समर्थन कर रहे हैं, वो अगले चुनाव के मद्देनजर है। और ओपी राजभर जो बोल रहे हैं वो भी उसी दिशा में है। बीजेपी मौन क्यों है ये भी उसी दिशा में है। दरअसल बीजेपी इस मामले में हाथ डाल करके कोई नुकसान नहीं झेलना चाहती है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो सवाल उठाया है उस पे जवाब देने के लिए केशव प्रसाद मौर्य को आगे किया गया था और किसी ने बीजेपी नेता ने बयान नहीं दिया, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ओबीसी का एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत ही नाजुक है और राजनीतिक रूप से नुकसान हो सकता है, इसलिए बीजेपी मौन धारण किए हुए है और बोल रहे हैं थोड़ा बहुत। तो केशव प्रसाद मौर्य और ओपी राजभर फिलहाल जो है अपनी बात से जो है बीजेपी के साथ हैं, क्योंकि अखिलेश यादव के साथ थे तो उनसे तो नाराज हो करके गठबंधन तोड़ा ही है। बीजेपी जानबूझ करके पिछड़े वर्ग के नेताओं को आगे कर रही है, उसी पर जो है अखिलेश यादव ये कटाक्ष कर रहे हैं। तो देखते हैं कि अभी आगे आगे होता है क्या। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।